मैं आपका अपना फार्मेसिस्ट चैनल में स्वागत करता हूँ। मेरा नाम नवीन सक्सेना है और मैं एक रजिस्टर्ड फार्मेसिस्ट हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लिजोलिड 600 मिलीग्राम टैबलेट के बारे में। लिजोलिड 600 मिलीग्राम टैबलेट को ग्लेनमार्क द्वारा इंडिया में बनाया जाता है। ये एक एंटीबायोटिक है, एंटी बैक्टीरियल है, जिसका उपयोग कुछ स्पेसिफिक इन्फेक्शन से बचाव में और इन्फेक्शन को ठीक करने में किया जाता है। मैं आपको बताऊंगा लिजोलिड 600 मिलीग्राम टैबलेट के कंपोजिशन के बारे में, यूजेस के बारे में, कहाँ कहाँ पर इसको यूज किया जाता है, क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं लिजोलिड 600 मिलीग्राम टैबलेट के यूज के दौरान, और आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए लिजोलिड 600 मिलीग्राम टैबलेट के यूज के दौरान। सबसे पहले आपको बताता हूँ लिजोलिड 600 मिलीग्राम टैबलेट के कंपोजिशन के बारे में। लिजोलिड 600 मिलीग्राम टैबलेट में लिनजोलिड 600 मिलीग्राम होता है। ये लिजोलिड 600 मिलीग्राम टैबलेट को ग्लेनमार्क द्वारा इंडिया में बनाया जाता है। ये 10 गोली की पैकिंग में आता है और इसका प्राइस है ₹330। जैसे मैंने आपको बताया, लिजोलिड 600 मिलीग्राम टैबलेट एक एंटीबायोटिक है और एक रिजर्व एंटीबायोटिक है, जिसको आप उपयोग कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में डॉक्टर द्वारा किया जाता है, जैसे कि लंग इन्फेक्शन में, स्पेशली निमोनिया में, और स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में, स्पेशली पुराने घावों में, क्रोनिक घाव जो होते हैं जो जल्दी से ठीक नहीं होते हैं, या ऐसे घाव जो बहुत सारे एंटीबायोटिक के यूज के बाद भी जिनमें कोई बदलाव नहीं आता है, जिनमें रिकवरी नहीं होती है, ठीक नहीं होते हैं, या कुछ ऐसे घाव या ऐसे इन्फेक्शन जो MRS से रेजिस्टेंट होते हैं, ऐसे में लिजोलिड 600 मिलीग्राम को प्रिस्क्राइब किया जाता है और इससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मैं आपको बताता हूँ किस डोज में डॉक्टर लिजोलिड 600 मिलीग्राम टैबलेट को प्रिस्क्राइब करने की सलाह देते हैं। डॉक्टर जनरली लिजोलिड 600 मिलीग्राम टैबलेट को दिन में 2 बार लेने की सलाह देते हैं, एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को। आप लिजोलिड 600 मिलीग्राम टैबलेट को खाना खाने से पहले भी ले सकते हैं और खाना खाने के बाद में भी ले सकते हैं, लेकिन आपको दिन में एक फिक्स टाइम पर ही लिजोलिड 600 मिलीग्राम टैबलेट का सेवन करना चाहिए। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि डॉक्टर ने जितने दिन आपको लिजोलिड 600 मिलीग्राम टैबलेट लेने के लिए बताया है, आपको उतने दिन ही लिजोलिड 600 मिलीग्राम टैबलेट का सेवन करना चाहिए। जनरली डॉक्टर लिजोलिड 600 मिलीग्राम टैबलेट को 5 से 7 दिन प्रिस्क्राइब करते हैं और इतने दिन लेने की सलाह देते हैं। मैक्सिमम लिजोलिड 600 मिलीग्राम टैबलेट को 14 दिन तक लिया जा सकता है, और उसके बाद भी अगर आपका इन्फेक्शन ठीक नहीं होता है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, और अगर डॉक्टर बोलेगा तभी आपको लिजोलिड 600 मिलीग्राम टैबलेट का यूज कंटिन्यू करना चाहिए। वैसे तो लिजोलिड 600 मिलीग्राम टैबलेट काफी सेफ मेडिसिन है, फिर भी कुछ कॉमन साइड इफेक्ट जैसे कि पेट में दर्द होना, सर में दर्द होना, आपको लूज मोशन हो जाना, डायरिया हो जाना, वॉमिटिंग हो जाना, ऐसे कुछ कॉमन साइड इफेक्ट भी देखे गए हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म यूज में आपका ब्लड सेल काउंट भी कम हो सकता है, जिसमें आपके रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट भी कम हो सकते हैं। ये काफी रेयर साइड इफेक्ट है, लेकिन कुछ पेशेंट में ऐसा देखा गया है, और अगर ऐसा कोई साइड इफेक्ट होता है तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए। मैं आपको बताता हूं कि लिजोलिड 600 मिलीग्राम क्यों एक रिजर्व एंटीबायोटिक है और इसका उपयोग क्यों कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में ही किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, एक बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है, स्पेशली जख्म को भरने के लिए, पुराने घाव को भरने के लिए, जो घाव बहुत पुराने हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं, कुछ एक्सीडेंट का घाव है, सेलुलाइटिस है स्किन में, या ऐसे घाव जिसमें पस पड़ गया है, और डायबिटिक फूड में भी ये बहुत अच्छे से काम करता है। डायबिटिक फूड एक डायबिटीज जो पेशेंट में होता है उनकी बीमारी है, जिसमें कि उनके पैर में इन्फेक्शन हो जाता है, घाव हो जाता है, और वो घाव जल्दी से ठीक नहीं होता है और धीरे धीरे बढ़ता जाता है। डॉक्टर बहुत सारे एंटीबायोटिक देते हैं लेकिन वो उस एंटीबायोटिक से भी ठीक नहीं होता है, और कभी कभी पेशेंट का वो हाथ या पैर काटने की नौबत भी आ जाती है, और कभी कभी पेशेंट की मृत्यु भी हो जाती है। ऐसी कंडीशन से बचने के लिए लिजोलिड 600 मिलीग्राम टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है, और इससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। एक एंटीबायोटिक है जो
बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है और साथ में उनके मल्टीप्लिकेशन को भी रोकता है और इस तरह से इन्फेक्शन को दूर करने में मदद करता है। मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या सावधानियां आपको रखनी चाहिए लिंजोलिड 600 मिलीग्राम टैबलेट के यूज के दौरान। सबसे पहले, अगर आप लिंजोलिड से एलर्जिक हैं तो आपको डॉक्टर को बता देना चाहिए और डॉक्टर आपको लिंजोलिड प्रिस्क्राइब नहीं करेगा। अगर आप महिला हैं और प्रेग्नेंट हैं या बच्चे को स्तनपान करा रही हैं तो भी आपको लिंजोलिड 600 मिलीग्राम टैबलेट का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर आपके लीवर में कुछ प्रॉब्लम है तो भी आपको डॉक्टर को बता देना चाहिए और आपको लिंजोलिड सावधानी पूर्वक उपयोग करना चाहिए। जब आपको लिंजोलिड प्रिस्क्राइब किया गया है तब आपको अल्कोहल का सेवन नहीं करना है क्योंकि तो इससे बहुत सारे साइड इफेक्ट हो सकते हैं और स्पेशली आपका ब्लड सेल काउंट कम हो सकता है। साथ में आपको एक्सेस मात्रा में चीज नहीं खाना है, प्रोसेस मीट नहीं खाना है, इससे भी काफी लिंजोलिड के एक्शन में काफी प्रॉब्लम आ सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जैसे आप लिंजोलिड का सेवन शुरू करेंगे आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लिंजोलिड का उपयोग बंद कर देना है। डॉक्टर ने जितने दिन आपको लिंजोलिड 600 मिलीग्राम टैबलेट लेने की सलाह दी है आपको वो कोर्स पूरा करना है। अगर डॉक्टर ने बोला है 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, तो आपको लिंजोलिड 600 मिलीग्राम 5 और या जैसा 7 दिन बोला गया पूरा करना है इसका कोर्स, बीच में कोर्स बंद नहीं करना है। और जो मैक्सिमम डेज हैं आपको लिंजोलिड 600 मिलीग्राम 14 दिन से ज्यादा नहीं लेना है। अगर आपका इन्फेक्शन बहुत ही सीवियर है और 14 दिन में भी ठीक नहीं होता है, वैसे ऐसा होता नहीं है, मैक्सिमम केसेस में आपका घाव 14 दिन में भर जाएगा, लेकिन अगर फिर भी ठीक नहीं होता है तो आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए और अगर डॉक्टर आपको बोलता है तभी आपको लिंजोलिड 600 मिलीग्राम 14 दिन के बाद भी कंटिन्यू करना चाहिए, अदरवाइज आपको इसका उपयोग बंद कर देना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये एक कॉमन एंटीबायोटिक नहीं है जिसका उपयोग आप सर्दी खांसी बुखार में या किसी भी इंफेक्शन में या छोटे मोटे घावों में करें। आपको इसका उपयोग अपने आप से नहीं करना है। जब तक डॉक्टर लिंजोलिड 600 मिलीग्राम आपको प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं आपको लिंजोलिड का उपयोग नहीं करना है। लिंजोलिड 600 मिलीग्राम एक एडल्ट डोज है और इसका उपयोग बच्चों में नहीं किया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ आप अपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार लिंजोलिड 600 मिलीग्राम टैबलेट का उपयोग निमोनिया में और स्पेशली पुराने घावों में जितने दिन डॉक्टर ने बताया है उतने दिन उपयोग करेंगे और जो सावधानियां बताई हैं वो सावधानियां बरतेंगे तो आपका पुराने से पुराना घाव बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा और आपको इससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपको लिंजोलिड 600 मिलीग्राम के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए और मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैं आपको आपके सवालों का जवाब तुरंत दे सकूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल आपका अपना फार्मेसिस्ट को सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।